नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, अगर आप सैमसंग का फोन यूज करते हो जो फुल वन यू आई पे बेस्ड है, जैसे F62 है, A51, A52, A71, A72, एस सीरीज के सारे फोन्स और नोट सीरीज के भी सारे फोन्स, तो आपको गैलरी में उसमें एक नया फीचर देखने मिलेगा अब। हालांकि ये फीचर नया नहीं है, इससे पहले ऐड कर दिया गया है, लेकिन अब ये फीचर आपको नए तरीके से देखने मिलता है गैलरी में। तो ये फीचर है, इस फीचर को कहते हैं रीमास्टर। तो ये फीचर है, आपके फोटोज को रीमास्टर करता है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन एडजस्ट करके आपकी फोटोज को और बेहतर बनाता है, लो लाइट फोटोज को। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे गैलरी में, तो गैलरी में सबसे पहले अगर आपको ये ऑप्शन देखना हुआ तो आप जा सकते हो यहाँ पे थ्री बार पे, और आपको टैप करना है सजेशन पे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा रीमास्टर पिक्चर्स। तो जो भी पिक्चर्स डल आई है, ब्लरी आई है, डार्क आई है, उन्हें आप यहाँ पे रीमास्टर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है बिफोर, मतलब पहले फोटो ऐसी थी, लेकिन जैसे आप रीमास्टर करोगे तो फोटो ये ऐसी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बिफोर आफ्टर यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे आफ्टर वाली फोटो सेव करनी हो तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, इसे शेयर भी कर सकते हो आफ्टर वाली फोटोज को, या फिर आपको इस सजेशन को निगलेक्ट करना हो या रिमूव करना हो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये तो कोई नया फीचर नहीं, ये पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन नया फीचर ये है, जैसे आप यहाँ पे कैमरा एल्बम में जाओगे तो यहाँ पे अगर आप कोई भी फोटो को देख रहे हो, जो भी डल फोटो या ब्लरी फोटो है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई ब्लरी या डल फोटो है, तो मान लो ये फोटो है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इस फोटो के राइट कॉर्नर में नीचे में यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा आपको, और ये है रीमास्टर का ऑप्शन। तो अब आपको यहाँ पे रीमास्टर इस तरीके से देखने मिलता है। तो जो भी फोटोज डल आई है, ब्लरी आई है, उसके नीचे आपको इस तरीके का आइकन दिखने मिलेगा, और ये है रीमास्टर का ऑप्शन। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको यहाँ पे बिफोर आफ्टर दिखाई देगा। तो बिफोर में ये फोटो ऐसी थी, लेकिन इफेक्ट अप्लाई करने के बाद, रीमास्टर करने के बाद, ये फोटो ऐसी हो चुकी है और ये काफी बेहतर हो चुकी है। तो आप यहाँ से इसे शेयर या फिर डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो। और जैसे आप इससे सेव करोगे तो यहाँ पे दोनों फोटो आपकी सेव हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर आप स्वाइप करोगे यहाँ पे, तो ये फोटो ही है वाली, तो आजू बाजू में दोनों फोटो सेव हो जाती है इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, देख सकते हो आप यहाँ पे, इसके नीचे ये रीमास्टर का आइकन आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा वापस, यही आपको देखने मिलेगा बिफोर आफ्टर। तो आप इस तरीके से यहाँ पे फोटोज को सेव कर सकते हो रीमास्टर करने के बाद। तो ये आपको हर एक फोटोज में देखने मिलेगा, जिन फोटोज में आपको लगता है कि फोटोज ब्लरी आई है या फिर डल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है रीमास्टर का आइकन, और फिर मैं यहाँ से इसे सेव कर सकता हूँ। फोटोज को बेहतर बनाने के लिए ये फीचर काफी बढ़िया है। तो पहले ये फीचर शायद आपको थ्री बार पे मिलता था, रीमास्टर का ऑप्शन, लेकिन अब आपको यहाँ पे फोटोज के नीचे राइट बॉटम कॉर्नर में देखने मिलता है रीमास्टर का ऑप्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों, जो फीचर है ये केवल कैमरा एल्बम में ही काम करता है। अगर कोई भी फोटो आपने दूसरे एल्बम में इसे मूव कर दी तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कैमरा से फोटो पिक्चर्स एल्बम में ऐड कर दी थी, लेकिन अब यहाँ पे आपको कोई भी रीमास्टर का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रीमास्टर का ऑप्शन केवल कैमरा से जो फोटोज क्लिक करते हैं उसी में यहाँ पे शो होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये आपको गैलरी में नया फीचर मिलता है, जो कई लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। तो अगर आपके फोन में भी ये फीचर आ चुका है तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।